जब हम लोग एक परिवार बन के चलते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, तो कम कम में ज्यादा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि घरों से पानी गिरता है बारिश का, वो नाली में जाता है, नाली का पानी नाले में जाता है, नाले का पानी गंगा में जाता है, और गंगा में फिर बाढ़ आती है। पर जब घर से पानी गिरता है तो वो बाढ़ आएगी उस पानी से, ऐसा थोड़ी होता है, घर से तो छोटे से पाइप से जा रहा है। पर अनेक पाइपों का पानी जब नाले में मिलकर गंगा में जाता है, अनेक नालों से, तो बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही हम सब लोगों का थोड़ा 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 होता है तो अनुष्ठान बड़ा हो जाता है, कथा बड़ी हो जाती है। इसीलिए मिलजुल करके रहना सबसे ज्यादा परम आनंद का विषय है। देखिए, एक पंक्ति हमेशा मैं गुनगुनाता हूं, आज भी उसे समझ लो। यों तो खाने को मेरे यार, यों तो भरने को मेरे यार, पशु भी पेट भरते हैं। अकेला खा खा करके जो कभी गुजारा न करते हैं। यों तो भरने को मेरे यार, पशु भी पेट भरते हैं। यार जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई अच्छे नहीं लगते दूसरे लोग, उनको अकेला रहना ही पसंद है। ऐसे लोग ज्यादा दिन नहीं जी सकते, जो ज्यादा लोगों में रहता है वो आदमी ज्यादा दिन जी सकता है, और जो अकेला वकेला रहता है वो बहुत जल्दी शरीर को खत्म करता है। इसीलिए पक्षियों को आकाश में आप कभी भी देखना, झुंड से उड़ेंगे, अकेले नहीं उड़ेंगे। कारण क्या, पक्षी एक दूसरे को बचा लेगा? नहीं। पर जब वो झुंड से उड़ते हैं तो उनके ऊपर खतरा बहुत कम हो जाता है शिकारियों का। ऐसे ही जब हम संगठन में चलते हैं तो दुश्मनों का खतरा बहुत कम हो जाता है, बुराइयों का खतरा भी कम हो जाता है, और मद अंधता का भी खतरा कम हो जाता है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, संगक्षद्वम संबदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जाना नाम उपासते। देवताओं से ज्यादा कहीं बल राक्षसों में पाया गया है। एक बार देवताओं में और राक्षसों में कौन प्रिय है ब्रह्मा जी को, यह शर्त लग गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि ब्रह्मदेव, आप तो देवताओं को और राक्षसों को समान ही कृपा करते हो, ऐसा क्यों? आपकी नजर में देवता और राक्षस में कोई छोटा बड़ा है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़ा छोटा तो है, पर मेरी गद्दी ऐसी है कि वहां मैं छोटे बड़े का भेद नहीं कर सकता, पर अंदर से मैं भी छोटा बड़ा मानता हूं। तो देवताओं ने कहा कि आपकी नजर में कौन बड़ा कौन छोटा? तो कहा, भाई बताऊंगा नहीं, एक प्रयोग करूंगा तब अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप देख लेना कौन छोटा कौन बड़ा। तो कब होगा? तो कहा, पूर्णमासी के दिन ब्रह्मलोक में भंडारा होता है। आप कथा समझ लें, पूर्णमासी का दिन इतना पुण्यवान होता है अन्नदान करने के लिए कि पूछिए मत। पूर्णमासी में श्री वृंदावन में और श्री गोवर्धन में कोई अन्नदान यानी खीर का प्रसाद बांटता है
तो उसके जीवन में सोने के चावल उसको बरसात मिलते हैं, यानी उसको सोना मिलता है। इतना पुण्य है पूर्णमासी के भंडारे का, अन्नदान का। मिश्री और माखन का भोग श्री दाऊ जी महाराज को कोई ब्रज में लगावे पूर्णमासी को, तो उसकी गरीबी दूर हो जाती है। 11 बरस में पूरी तरह वो मालदार हो जाता है। कोई नियम से दाऊ जी महाराज पे मिश्री का हंडा चढ़ावे, तो ये ऐसे महत्व हैं जिनसे आदमी को कर्म करने का लालच पैदा होता है और होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूर्णमासी को भंडारा रखा ब्रह्मलोक में, देवताओं को न्योता दिया और राक्षसों को भी न्योता दिया। दोनों एक साथ पहुंचे तो राक्षस हल्ला मचाने लगे कि हम पहले बैठेंगे भोजन के लिए, पहले हम आए, पहले हमारा नंबर है। कल्पना करना, अगर कहीं भोजन हो रहा है, कहीं दावत हो रही है और वहां पर खाने के लिए जो पहले मचलते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आप में से तो कोई होगा नहीं ऐसा। भोजन के लिए जो मचलता है, भंडारा हो, दावत हो, विवाह हो, शादी हो, भोजन परोस दिया और एक साथ ही कुछ लोग इधर से आए थे, कुछ इधर से आए थे, दोनों को भ्रम हो गया कि हम पहले खाएंगे। देवताओं ने कुछ नहीं कहा, राक्षसों ने हल्ला मचा दिया खाने के लिए, यानी कि खाने में धक्का मुक्की टाइप जो करते हैं वो राक्षस लोग होते हैं, ऐसा समझना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, घोषणा की कि पहले दैत्यों को ही पंक्ति में बिठाया जाए। देवता संतोषी थे तो बैठ गए चुपचाप कोने में, भजन करते रहे। दैत्यों को ब्रह्मा जी ने भोजन करने के नियम बताए कि हे दैत्यो, आप भोजन में बैठिए, पहले आपका नंबर है, देवताओं का नंबर बाद में आएगा। पर भोजन का नियम, सभी दैत्यों को 5-5 फुट दूर बैठना है और बिल्कुल आमने सामने सीध में बैठना है। जिस दैत्य के सामने थाली परोसी जाएगी उस थाली का भोजन सामने बैठे 5 फुट पर दूर बैठे हुए दैत्य को खाना है, यानी मेरी थाली से उसको खाना है और उसकी थाली से मुझे खाना है। 5-5 फुट के चम्मच दिए गए सबको कि उसकी थाली से खाना है तुमको, 5 फुट का चम्मच। 56 व्यंजन परोस दिए गए देवताओं राक्षसों को और चम्मच पकड़ाई गई। 3 घंटे तक भोजन करने की इजाजत है, 3 घंटे तक भोजन कर सकते हैं लगातार। 3 घंटे राक्षस भोजन करते रहे, उसकी थाली में से वो उठावे चम्मच तो पहले तो चम्मच में कुछ आवे ही ना, वहीं फैले, और कोशिश करे खाने की तो कभी किसी के कपड़े पे गिरे, पड़ोसी के ऊपर गिरे, और यहां तो आवे ना अपने ऊपर गिरे। 5 फुट की थाली को कैसे, 5 फुट की चम्मच को, बड़ा कठिन है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। 3 घंटे बज गए, घंटी बज गई, छुट्टी हो गई भोजन की, भूखे के भूखे उठ गए देव राक्षस। सब सफाई की गई, फिर देवताओं का नंबर आया। देवताओं का भी वही नियम, 5 फुट पर बैठेंगे आमने सामने और सबको 5 फुट का चम्मच। देवताओं ने मंत्र बोल करके आपस में सहमति बना ली, संगठन बना लिया, और संगठन ये बनाया कि मेरी चम्मच से मैं तेरी थाली से लेकर मैं तेरे मुंह में डालूंगा और तू तेरी चम्मच से मेरी थाली से मेरे मुंह में डालना, यों लेके खिलाना। देवताओं ने 5 से 10 मिनट में ठूस के पेट भर लिया, न गिरा, न फैला, न बिगड़ा। नारद जी को खड़ा करके ब्रह्मा जी ने कहा
अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन महान कौन दुर्जन, कौन सज्जन कौन बुद्धिमान कौन नहीं बुद्धिमान, केवल किसी के पास ज्ञान और शक्ति होने से काम नहीं चलता है, उसमें समझौता समझ भी होनी चाहिए। शक्ति और ज्ञान ये दोनों रावण को बहुत था, पर रावण किसी को न शांति से जीने देता था और न खुद शांत रहता था। रावण ने कुंभकर्ण को भी कभी शांति से नहीं रहने दिया। कल्पना करो, कुंभकर्ण को शांति केवल मिलती थी सोने में। कुंभकर्ण सोता था शांति के लिए, और वास्तविकता है ये। एक महात्मा ने दो शब्द लिखे बहुत जोरदार, मस्त राम मुर्दे से बोले, मस्त राम मुर्दे से बोले हमको भी कुछ बतलाओ। मुर्दे से उठकर एक मुर्दा बोला, मर जाओ और सुख पाओ। सबसे ज्यादा सुख है मर जाने में। एक महात्मा के पास में एक व्यक्ति गया, उसने पूछा, महाराज आप बताइए कि सबसे ज्यादा सुख है किसमें? तो महात्मा ने कहा कि कोई व्यक्ति मानो समझ लो अलग अलग सुख है अलग अलग चीजों में। एक आदमी को दौड़ने में सुख मिलता है, पर दौड़ने से ज्यादा सुख चलने में मिलता है। दौड़ने से ज्यादा सुख चलने में है, चलने से ज्यादा सुख बैठने में है, बैठने से ज्यादा सुख विश्राम में है, विश्राम से ज्यादा सुख गहरी निद्रा में है, और गहरी निद्रा से भी ज्यादा सुख मृत्यु में है। इसलिए मुर्दा कहता है मर जाओ और सुख पाओ। अब मर जाओ और सुख पाओ का मतलब मर जाओ से नहीं है। महात्मा समझाना चाहते हैं, जो आदमी अपने भोग की प्रवृत्ति को मार लेता है वो सुखी हो जाता है, संपन्न हो जाता है। ना तो उसको क्रोध आता है, न चिंता आती है, न चिढ़ आती है, न फिक्र होती है, न आशा होती है। क्योंकि जिसने अपने मद को काम को प्रवृत्ति को मार लिया वो आदमी परम सुखी हो जाता है इस संसार में। आप सबको मैं बहुत देर से बहुत सारी बातें समझा रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं कि आखिरी दिन में आपको अधिक से अधिक कुछ सुनने को मिले, और अब जाने का टाइम है घर पर, तो घर तक कुछ ऐसा चला जाए जो घर जाकर मेरे काम आ जाए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए, आनंद के लिए, परम सुख के लिए, चैन से जी लूं मैं उसके लिए। आपको पता है ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया ऐसी है कि आदमी को मुर्दे को भी चैन से मरने नहीं देती है, को भी ये चैन नहीं लगने देते। कोई आदमी मर जाए ना तो उसको हिलाए हिला के जग कहां चले गए, उठो उठो उठो। कोई हाथ खींचेगा, कोई टांग, कोई माथे पे, कोई मुंह हिलाएगा, कोई छाती पे हाथ पीटेगा, कोई चूड़ी तोड़ रहा है, कोई बीछिया। मरे मराए को भी धैर्य मारने लग जाओ, मैं जगाने लग जा, शमशान में ले जाओ, आग लगा के भी फुर्सत नहीं है, और भी कर्मकांड है। हमारे बहुत पौराणिक कर्मकांड होते हैं, कपाल क्रिया होती है, वहां भी बांस बल्ली हिला के माथे को झंझनाते हैं, कहीं एक आध कोई याद तो नहीं रह गया इसको कुछ। कपाल क्रिया यानी कि शरीर जल जाने के बाद भी कपाल जो होता है वो जलता नहीं है, इसीलिए उसको भी नष्ट करने के लिए थोड़ा तोड़ा जाता है। यानी मुर्दे को भी शांति नहीं है। किसी उर्दू शायर ने बहुत बढ़िया एक शब्द लिखा है कि सोए हुए थे कब्र में, ओड़े कफन मजार में,
और यहां भी सताने आ गए, यहां भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया, यहां भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया, यहां तक आ गए। कई लोगों को पता नहीं रहता, कई लोग दूर रहते हैं और दफना दिया जाता है बॉडी को, 10-15 दिन बाद आते हैं तो मजार पे जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, अंदर बैठा सोया शांत मजार में मुर्दा ये कह रहा है कि अब तो पीछा छोड़ो। कब तक पीछा करेंगे, अब तो पीछा छोड़ दो। तो कठिन से कठिन संसार में समस्याएं हैं, इसीलिए एक और कहावत सुनाऊंगा। सब कहावत है कि कर लिया सो काम और भज लिया सो, इसीलिए जो हो जाए सो हो जाए वही अपना है, जो भज लिया जाए तो भज लिया जाए वही अपना है, बाकी सब जग सपना है, कुछ अपना नहीं है। फिर आए हो जग में तो कुछ करके जाना है, कब लौट के आना है, कब लौट के आना पता नहीं, कब आएंगे लौट के दोबारा, जाएंगे जरूर। इसीलिए कुछ ऐसा करके जाओ कि लौट के आना ही न पड़े, और लौट के आना पड़े तो कुछ इस तरह आ जाओ कि समाज धर्म ईश्वर के काम आ जाए। ऐसा बुद्धि, ऐसा विचार, ऐसी सोच से कुल खानदान, ऐसे संस्कार, ऐसी पढ़ाई, ऐसी उन्नति हमें प्राप्त हो संस्कारों के प्रारब्ध के बल पर, ऐसा भाग्य तैयार करो। चलिए एक छोटा सा भजन गाते हुए आपको आगे ले चलते हैं। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाओ जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कफन का टुकड़ा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, होगा तेरा लिबास होगा। जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाओगे जब यहाँ से। Thank you.
कौंधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ने पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कुनवा निराश होगा जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा जाएगा जब यहाँ से, कुछ जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। आज मेरे भगवान गुरुदेव श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन द्वादश ज्योतिर्लिंग के अमृत रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पावन कथा सुनाई। देखिए राम और भोलेनाथ का परम संगम भवसागर में हुआ। कैसे रामेश्वरम महादेव की पावन कथा को सुनने के लिए देवता ऋषि मुनि सब आतुर हो गए। विस्तार से रामेश्वर महादेव की कथा सुनाने लगे सूत जी, क्योंकि यह रामेश्वर महादेव की जो कथा है यह सच में विस्तार से ही सुननी चाहिए। कहा सौनक जी, जय और विजय नाम के पार्षद भगवान विष्णु के, जिन्हें सौनक आदि ऋषियों ने श्राप दिया था कि पिता ब्रह्म से विष्णु से मिलने के लिए तुम अविरोध किए हो, इसलिए तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दैत्य हो जाओ, राक्षस बुद्धि के हो जाओ, तुम्हारा देवलोक का सेवा तुमसे छूट जाए। इसीलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है, जो लोग गुरु के साथ रहते हैं, साधु के साथ रहते हैं, देवालय मंदिरों में पुजारी पहरेदार रहते हैं, उनको बहुत कुशल व्यवहार होना चाहिए। उस कुशल व्यवहार से तो वो बिना कुछ कर्म किए ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, संघ का इतना प्रभाव होता है। पर जब उनका व्यवहार कुशल नहीं रहता, किसी देव आत्मा को जब वो ठेस पहुंचाते हैं तो उनका वो स्थान खत्म हो जाता है। किसी की आत्मा में कष्ट पहुंचता है व्यवहार से, तो हमारी वो सेवा जो है चली जाएगी हमसे, वो स्थान भी हमसे चला जाएगा और हमारे जीवन का पतन होता है उससे। इसीलिए समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि गुरुजी देवालय वगैरह, पर केवल गुरुजी देवालय नहीं है, हर व्यक्ति माता पिता घर के
देहरी में विराजमान मंदिरों में देवता, यानी कि हम सब लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बोल चाल के व्यवहार से किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी की दिव्य सपना टूटना नहीं चाहिए। सदगुरु भगवान सूत जी कहते हैं कि सौनक आदि सनकादिक ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया, तीन बार दैत्य बनोगे। श्राप को पाकर के वो परेशान हो गए, रोने लगे, तो भगवान विष्णु निकल कर आए वैकुंठ से, क्योंकि प्रभु की आज्ञा में और प्रभु के द्वार पर उनको श्राप लगा। इस कारण प्रभु ने उनको कहा कि श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पर तुम्हारे उद्धार के लिए मैं यथा समय अवतार लेकर आऊंगा। तो भगवान ने पहले अवतार में वराह अवतार लेकर के, नरसिंह अवतार लेकर उद्धार किया, और दूसरे अवतार में श्री राम बन करके रावण और कुंभकर्ण के रूप में जो आए थे जय विजय, उनका उद्धार किया। यदम तम तीर्थम पुण्यामस्तो। उर्मिला जी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर कुर्सी इधर से आ जाइए। तम प्रतिष्ठान युक्तानां देवं जातं स्मृति। आप सबको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कथा, केवल रावण और कुंभकर्ण के लिए ही क्या भगवान का आगमन हुआ जय विजय के श्राप को मुक्त करने के लिए, कि और भी कोई कारण है? तो भगवान सूत जी ने और भी कारण बताए, तो कहा एक बार श्री नारद जी काम पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों में गए थे, तो भगवान नारायण के यहां पर भी गए थे। वहां उन्होंने अपनी तपस्या का अहंकार अहम बताया, तो परमात्मा ने नारद के अहम को तोड़ने के लिए उसे विश्व मोहिनी के रूप में मोहित करके उनका तप भंग कर दिया, और उनका जो स्वरूप है वो कपि बना दिया, यानी कि विष्णु के रूप में ही उन्होंने बंदर का स्वरूप बना दिया। उस स्वरूप से परेशान होकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि हे विष्णुदेव, वैसे तो आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपका भक्त हूं, पर आपने मेरा जो स्वरूप बनाया है, मेरी इच्छा का जो आपने नाश किया है, उससे मैं ना खुश होकर आपको भी श्राप दे रहा हूं कि आपने मुझे स्त्री सुख से वंचित किया। जब आप जय विजय का उद्धार करने के लिए धरती लोक पर अवतार लोगे, तो माता सीता का भी इसी प्रकार से आपसे वियोग होगा, तो आप भी स्त्री सुख से वंचित रहेंगे। उस समय मैं बानर और मेरी बानर जाति ही आपको सीता जी से मिलन करवाएगी, यह मेरा श्राप है। तो नारद के अपने भक्त के श्राप को पूरा करने के लिए भी भगवान ने श्री राम अवतार लिया। रामम कृतम भूयंत जातां। महर्षि कहते हैं कि राम का कारण एक नहीं होता है आने का, थोड़ा थोड़ा अनेक कारण होते हैं राम के आने के। मनु और शत्रुपा ने भयंकर तपस्या करने के बाद में भगवान श्री नारायण को प्रसन्न कर लिया, 10,000 वर्ष तक तपस्या की, उसके बाद प्रभु पधारे और प्रभु ने पूछा क्या चाहते हो इतनी तपस्या पाकर? अरे मनु, तुम सारी सृष्टि के पिता माता हो, ऋषि मुनि योगी जति ब्राह्मण सब तुम्हारे एक अंदर से पैदा हुए हैं, अब क्या कम रह गया? तो कहा प्रभु आपको हम पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। तो भगवान शत्रुपा मनु को कई बार पुत्र बन करके सुख देना चाहे, पर वो सुख नहीं दे पाए। कहते हैं चाहे वो अदिति का अवतार हो, चाहे वो शत्रुप का अवतार हो, बाद में सुख पाने के लिए ही कौशल्या और दशरथ का अवतार दिया मनु और शत्रुपा को, और उन्हें बाल रूप का सुख देने के लिए भगवान ने राम अवतार धारण किया। प्रगट भगवान विष्णु रूप में हुए, पर कौशल्या ने कहा कि मैंने ये नहीं शर्त रखी थी, मेरी शर्त है कि मुझे वात्सल्य सेवा मौका मिलना चाहिए। तब भगवान ने
बाल रूप बनाया और उस बाल रूप के लिए गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा जो है छंद गाया है और वो छंद है राम जी के जन्म का प्राकट्य का। आप सब लोग जो है वो छंद गाते हैं, उसमें एक एक चीज जो है ये दर्शाई गई है कि भगवान ने चतुर्भुज रूप से बाल रूप क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, किसकी खुशी के लिए बनाया, ये सारा का सारा संबोधन उसमें दिया हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी सुबुद रूप निहारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई भी कर जोरी अस्तुति तोरी ही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर ही गावै सुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी पयो प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कै मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति तिरन रई उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसे काना चरित बहुत विद कीन चहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई ही प्रकार श्रुत प्रेम लय माता पुने बोली तो मत डोली तजहूँ तात रूपा जय शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनुपा सुन वचन सुजाना रोदन डाना ओए बालक सुर भूपा यह चरित जे गावें हरि पद पावें तीन परै बब कूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की जय हो चारो भैयन की जय हो शिव महापुराण की जय हो। भगवान श्री सूत जी इस तरह राम कथा सुना रहे हैं। राम जी ने पावन अध्ययन कर लिया, बाल लीलाएं कर ली, पावन विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, खरदूषण जैसे राक्षसों को भय से ही भयभीत करके भगा दिया, अहिल्या का उद्धार करके भगवान सीताराम का पावन पाणि ग्रहण हुआ, विवाह में भगवान को जनक जी ने जनकपुर ही दे दिया, दान में राजा ही बना दिया वहां का, पर प्रभु राम राज्य आदि को त्याग कर सीता के साथ अयोध्या पहुंचे।
वशिष्ठ मुनि से गृहस्थ का ज्ञान लेकर चारों भ्राता ग्रस्त करना चाहते थे, पर तब ही भगवान की लीलाओं के बस में सरस्वती माता ने मंत्रा की बुद्धि में बैठ के राम को वनवास भिजवा दिया। सीता राम और लक्ष्मण वन में आए, वन में जब आए तो एक से एक कथा अब आपको सुनने जैसी है। जैसे ही निषाद को पता चला कि राम जी को राज त्याग कर वनवास जाना है, ऐसी घोषणा हुई अयोध्या की, राम वन जा रहे हैं, मेरे राज्य से ही गुजर रहे हैं, तो निषाद ने अपना राज्य पूरा राम जी के चरणों में अर्पण कर दिया। पर राम जी पिता माता की आज्ञा पालन करने के लिए निषाद राज के राज्य को स्वीकार नहीं किए। राम जी ने निषाद के भाव को देखा तो एक रात्रि के लिए निषाद के राज्य में निवास राम जी ने किया। अब आप जब ये कथा सुनते हैं तो इसमें न जाती है, भगवान की नजर में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। भगवान ने यहां कोई वर्ण व्यवस्था को महत्व नहीं दिया है, यहां जाति व्यवस्था को महत्व नहीं दिया है, इस जगह कथा में भगवान ने भाव व्यवस्था को महत्व दिया है। निषाद एक भक्त है और उसका भाव क्या है, इस चीज को भगवान महत्व देते हैं। निषाद से विदा होकर के राम जी गंगा जी पर पहुंचे और गंगा जी पर जब पहुंचे तो वहां केवट ने राम जी के पावन चरणों को पखारा। सारा पुण्य राम जी के चरणों से अपने जीवन में ले लिया। अब आप बोलिए, ये केवट मल्लाह जाति, राम जी ने उसे अपनी सेवा अपनी पूजा अपने चरण दे दिए, तो हम कौन होते हैं जाति पाति बांटने वाले। स्वयं जिसने दुनिया बनाई है वो अपने चरण जिसको चाहे उसको परोस रहा है, तो हम बीच में पाप के भागी क्यों बनते हैं ऊंचा नीचा करके। परमात्मा का जो भक्त है वही सबसे बड़ा वैष्णव है, वही सबसे बड़ा ब्राह्मण है। जो ईश्वर का हो गया वो सबका हो गया, जो ईश्वर का हो गया वही क्षत्रिय वही वैश्य है वही शूद्र है। परमात्मा को जिसने नहीं पाया है वो कुछ भी हो कुछ नहीं है भी। भगवान के कार्यों से जो जुड़ जाता है वो स्वयं ही वैष्णव हो जाता है, उसमें ब्रह्म प्रवृत्ति आ जाती है, वो पूरी तरह से स्वयं ब्राह्मण हो जाता है। सदगुरु सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों को कि केवट ने भगवान के चरणों को धोकर के परात का पानी सबसे पहले अपने पितरों को छिड़का, पितरों को पिलाया। यही हमारी पौराणिक पूजा है कि हम जब कभी भी अभिषेक करते हैं या साधु महात्मा भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हैं तो जब भी उसमें से दो उंगली डालकर जल ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले अपने पितरों का नाम लेकर जल छिड़को, फिर उस जल को आप अपने ऊपर छिड़को, नेत्रों से लगाओ, चाहे फिर पीना है तो जल को ग्रहण करो, पर पहले पितरों को तारने के लिए जल की प्रथा बताई है, जल आदान पितरों के लिए किया जाए। तो केवट ने अपने पितरों को चरणों से तार दिया, भगवान के चरण मिले तो अपने पितरों को तारा जो मर गए थे, फिर अपने पूरे परिवार का कल्याण किया, फिर भगवान को पहुंच करके पैरों को नाव में बिठाया और उस पार लेकर के केवट राम जी को सीता जी को लक्ष्मण जी को चल दिया। ऐसे नहीं जाएंगे, गंगा मैया में जब भी बैठे तो कोई भजन या तो कीर्तन या नाम जपना चाहिए। गंगा में बिना स्मरण भजन कीर्तन के कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। केवट जो भजन बनाया है कवियों ने उसी को गाते हुए राम जी को पास करिए। ए गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में सीता राम।
गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीतारा। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीतारा। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीतारा। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण का हो। गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण का राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीतारा। लकड़ी की नैया भागीरथ की गंगा, लकड़ी की नैया भागीरथ की गंगा, लकड़ी की नैया भागीरथ की गंगा, लकड़ी की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ जी के राम, ओ गंगा मैया धीरे। राजा दशरथ जी के राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की।